बिपाशा बासु, मिनीषा लांबा और अनुष्का शर्मा एयरपोर्ट पर कस्टम का हैवी फाइन भरने वाले इन सितारों में अब जुड़ने लगे हैं बड़े नाम। एक एक कर टॉप बॉलीवुड स्टार्स के नाम आ रहे हैं सामने। कल ही हमने आपको बताया था कि रिसेंटली अपनी लंदन ट्रिप से लौटे शाहरुख खान को भरना पड़ा करीब 1.5 लाख रुपए का फाइन। ये खबर मीडिया की सुर्खियों में इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि किंग खान ने इस मामले को तूल नहीं पकड़ने दिया और चुपचाप बाद फाइन भरने से सेटल हो गई। इसके बावजूद जूम अप तक लेकर आया था शाहरुख खान के कस्टम को फाइन भरने की खबर। और अब हम जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर लगे फाइन का मामला रिवील करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले बच्चन। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से पता चला है कि अपनी पिछली फॉरेन ट्रिप से लौट रहे ऐश्वर्या और अभिषेक को कस्टम डिपार्टमेंट की ठीक वैसे ही जांच का सामना करना पड़ा जैसी जांच की शिकार ग्रीन चैनल से एग्जिट लेने पर मिनीषा लांबा और अनुष्का शर्मा हुई थी। मामला अपनी बिलोंगिंग के उसी डिक्लेरेशन का था जिसकी वजह से बाकी बॉलीवुड हस्तियां इन दोनों कस्टम डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं। और आखिरकार बच्चन फैमिली भी कस्टम के इस कड़े स्कैन से नहीं बच पाई। बच्चन फैमिली को अराउंड 65,000 रुपीस का फाइन देना पड़ा और तब जाकर उन्हें कस्टम की इस मुसीबत से छुटकारा मिला। यानी एक तरफ बॉलीवुड स्टार्स के लिए कस्टम एक डरावना सपना बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कस्टम डिपार्टमेंट फाइन रेवेन्यू की जो कमाई सरकारी खजाने में जमा कर रही है उससे उसकी वाहवाही हो रही है। इसलिए कस्टम अधिकारी इन दिनों बेधड़क अपना काम कर रहे हैं। फिर सामने भले खुद शाहरुख हो या फिर बच्चन फैमिली, इन सब सेलिब्स को मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट को कस्टम डिपार्टमेंट ने कम से कम कस्टम ड्यूटी के मामले में किनारे रख दिया है। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए अब यही ठीक होगा कि वो कस्टम ड्यूटी भरना भी अपनी आदत में शामिल कर लें। और जिस तरह फाइनेंशियल ईयर के आखिर में वो शान से करते हैं ऐलान सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने का, ठीक उसी तरह खुद ही सबको बताएं कि उन्होंने विदेश से लौटते समय कितनी कस्टम ड्यूटी भरी है, क्योंकि डिक्लेरेशन में गड़बड़ी छुपाए रखना अब इन स्टार्स के लिए नहीं रह गया है जरा भी आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।